क्या कहेंगे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? सबसे पहले तो आप सभी मेरे साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आज हिंदी पत्रकार दिवस है तो आप सब ने बहुत बहुत बधाई, खूब तरक्की करें। और मैं बहुत खुश हूँ मेरी सफेदों की मीडिया से, सभी बहुत अच्छे से अपना फर्ज निभाते हैं, गलत को गलत और सही को सही बताते हैं। तो एक बार फिर आपको हिंदी पत्रकार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एनडीए जी आज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सभी शहरवासियों को पता है, ज्योति एक नमस्ते करो, ज्योति सभी को नमस्ते। जैसे ज्योति मेरी वाइफ है जो नगर पालिका से चेयरमैन चुनाव के कैंडिडेट हैं, तो बस मैं आप लोगों के थ्रू, एक मीडिया ऐसी चीज़ है जो बात को हर बंदे के पास पहुंचा देती है। आज मेरा आप लोगों को घर पे बुलाने का बस यही मकसद है कि भी आप लोगों के माध्यम से अपने शहर के बच्चे बच्चे तक ये खबर जाए कि भी ज्योति वाइफ ऑफ एनडी दैया चेयरमैन के पद की उम्मीदवार है। चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया आपने, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? सफेदों के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे एक दिन आप बता रहे थे हॉस्पिटल वाली बात, वो जैसे पेशेंट को लेकर गए थे आप। हाँ, जैसे मैं हॉस्पिटल में गई थी तो वहाँ पे बिल्डिंग तो बना रखी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर के लिए उन्होंने जींद रेफर कर दिया पेशेंट को। एक दिन ये पेशेंट को लेकर गए थे, डिलीवरी पेशेंट था, तो वहाँ पर जैसे देखा भाई स्टाफ कम है, स्टाफ तो है लेकिन कम है स्टाफ। तो कई ऐसे केस होते हैं जो मतलब उनके लिए अच्छे डॉक्टर चाहिए, तो डॉक्टर थे नहीं, फिर वो रेफर किया उस पेशेंट को, उन्होंने ट्रीटमेंट किया जितना उनसे हो सका, अच्छे से उन्होंने अटेंड किया पेशेंट को, लेकिन बाद में रेफर कर दिया। तो बहुत सारी समस्या है अपने शहर के अंदर। एक जैसे एक कॉलेज में जाते हैं, अभी पूरा इनका कंप्लीट हुआ है, तो कॉलेज में जाते हैं ना, गर्ल कॉलेज में सरला मेमोरियल में, वहाँ पर पानी भर जाता है बारिश आती है, जब हाँ गलियाँ ख़राब बिल्कुल, बहुत वो गली बहुत ख़राब, परेशानी बहुत आती है लड़कियों को ऐसी ऐसी। फिर दूसरी बात, अपने शहर सफेदों के अंदर ना पानी की निकासी नहीं है, हर वार्ड में पानी भरा रहता है बहुत ज़्यादा, और एक लाइटिंग की प्रॉब्लम है, रात को जैसे जाते हैं हर वार्ड में अंधेरा है, इतना काम मतलब है नहीं, किया नहीं है मतलब जितना होना चाहिए शहर के अंदर। हमारा शहर आज भी ऐसा लगता है जैसे 25 साल पीछे चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे काम है जो हुए नहीं है जिनको आप लोग पूरा करना चाहते हैं? बहुत सारे काम हैं, मैं ऐसे कौन से काम रह गए जो लगता है कि भाई पूरे हुए नहीं, आपको जो लगता है? एक तो गलियां ही नहीं शहर के कंप्लीट हो पाई अच्छे से जी, और ना ही लाइटिंग है पूरे शहर में। सबसे बड़ी बात, आज के टाइम में करप्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारी बहू बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो कभी किसी कोचिंग सेंटर पर जाती है या जॉब वगैरह करती है, रात को लेट नाइट तक घर पहुँचती हैं, कोई गाँव से आती है। अपने शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं है जी, एक सीसीटीवी कैमरे जरूर होने चाहिए शहर के अंदर, अगर भगवान ना करे कोई मतलब कोई गलत हरकत करता है उसको हम पकड़ सके, उसके बाइक का गाड़ी का नंबर या उसका फेस देख सके हम, किसने गलत हरकत की है। हर चौक पर, हर मेन जगह जैसे सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे मेरे हिसाब से सीसीटीवी कैमरे जरूर होने चाहिए। क्या लगता है कि सीसीटीवी कैमरों से जो क्राइम है जो शहर का वो रुक जाएगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा उस चीज़ से। किस तरह से फर्क पड़ेगा? एक बात का जवाब दीजिए आप, एक तो घर में कोई नहीं हो, एक बंदा चोरी करने के लिए आता है, घर में कोई नहीं हो चोरी करके चला जाएगा, और एक उस बंदे को ये डर हो घर में दो बंदे सो रहे हैं, क्या इस चीज़ का फर्क नहीं होएगा? सीसीटीवी कैमरा मतलब वहाँ पे कोई आदमी बैठा है, सीसीटीवी कैमरा बंदा है ना, जो बंदा वो सो सकता है लेकिन सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे अपनी ड्यूटी करता है, वो हमें ये बता देगा यहाँ से क्या निकला है, क्या गुजरा है, कौन बंदा था, किसने छेड़खानी की है, किसने बदतमीजी की है। तो मेरे हिसाब से पूरे शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। सफेदों की जनता आपको मौका देती है, क्या इन मुद्दों को आप पूरा कर पाएंगे? मैं आप सभी मीडिया वालों से, मेरे साथियों से और पूरे शहरवासियों से एक वादा करता हूँ, शहर सफेद के अंदर इतने काम है, मेरे इतने सपने देख रखे मैंने शहर सफेदों से लेके, जैसे कि मैं जाता हूँ बाहर कहीं शहरों में जाता हूँ, वहाँ पे नगर पालिका ने इतने काम करवा रखे बहुत ज़्यादा, लेकिन एक हमारा शहर सफेदों है बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे शहर के अंदर जो काम होने चाहिए 2022 लग गया है लेकिन अभी तक इतने काम नहीं हुए, अब भी ऐसा लग रहा है जैसे हम 1980 में हैं। शहर सफेदों के अंदर देखो सबसे बड़ी बात, हमारे शहर के अंदर ना शहर के बीचों बीच नदी आई हुई है, नदी मतलब एक किस्म, अगर अच्छे तरीके से इस नदी पर वर्क किया जाए ना, हरिद्वार है ये, हरिद्वार एक किस्म से अच्छे तरीके से लाइटिंग वगैरह लगवाओ, इसमें पानी जाता है शहर के बीच से नदी है। सबसे बड़ी बात, हमारा सफेदों के अंदर सफेदों का पुराना नाम है शरद नमन, हमारे यहाँ पर नागचित्तर है, नागचित्तर बाउंड्री में आप सब जानते हो कितना पानी भरा हुआ है, कितना अच्छा एरिया है नागचित्तर का, लेकिन वहाँ पे वर्क नहीं है। नागचित्तर ऐसी चीज़ है बाहर से देखने के लिए आए लोग, नागचित्तर पे कभी कोई मतलब काम ही नहीं किया किसी नेता ने, किसी चेयरमैन ने कभी काम ही नहीं किया। और बाईपास आप ये देखा, आप नोट कर लो, बाईपास आप सब घूमते रहते हो, सभी लोकल हो आप मेरे शहर से, आप सभी हमारे शहर के अंदर काम ही नहीं होने लग रहे। मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? मुख्य एजेंडा मेरा ये रहेगा, देखो एक तो स्पोर्ट्स को लेके, एक शिक्षा को लेके, और एक
रोज़गार को लेके, एक सफाई विभाग अपने शहर के अंदर काम, बहुत काम पेंडिंग है। और मेरा, मैं आप लोगों से दिलासा दिलाता हूँ, पूरे शहरवासी से वादा करता हूँ एक चीज़ का, भाई अगर आप सब शहरवासी मौका देंगे ना तो मैं आपसे वादा करता हूँ शहर के अंदर काम किए जाएंगे। जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री में, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में आपका नाम है, क्या सफेदों की जनता में इस तरह का नाम होता है? बिल्कुल, मैं सफेदों के वासियों ने मेरे शहर के, देखो घर में इज्जत होती है, बाहर इज्जत होती है, मेरे शहर की पूरी जनता मेरे साथ है, तभी तो मेरे को ये मौका मिला है। अब चुनाव में काफ़ी बड़े बड़े नाम है, किस तरह से आप लोग उनको बीट करोगे, किस तरह से उनके साथ आप काम करोगे? देखो हाँ, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो काफ़ी दिन से है पॉलिटिक्स में और मैं नया हूँ, और नया हूँ आप लोगों के साथ हूँ, जैसा भी हूँ, पूरे शहरवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मतलब मौका दे रहे मेरे को ये काम करने का, फिर भी मुझे इस चीज़ का डर नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, मेरे को अपने आप पे और मेरे शहर पे विश्वास है, शहर ऐसे कैंडिडेट को मौका देगा अब की बार, जो जिस पर शहर को पूरा विश्वास होगा कि हाँ ये बंदा काम कर सकता है, ये लड़की काम कर सकती है शहर के अंदर। एंड भैया, एक MC का चुनाव लड़ रहे थे और डायरेक्ट चेयरमैन के चुनाव में चले गए, इसको किस तरीके से आपने किया? ये सच बताऊँ, ये मेरे को बता रहा था उनसे, फिर भी बता देता हूँ, पूरे शहर ने सपोर्ट किया मुझे, पूरे शहर ने, बच्चे, हमारी माता, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, सब ने मेरे को सपोर्ट किया, सब ने ये कहा है एंडी भाई MC का आप रहने दो, आप चेयरमैन का लड़ो, क्योंकि सफेदों शहर को ना एक ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जो पूरे शहर सफेदों को चमका सके। क्या आपने सपना देखा था पहले? मैंने सपना देखा नहीं था, लेकिन मैं एक सपना मेरा जरूर था, मैं बाहर जाता था और आप सफेदों में आता था, मेरे सफेदों की ना ही तो गलियां प्रॉपर है, ना ही लाइटिंग प्रॉपर है, ना ही मेरे शहर के अंदर कुछ ऐसे, मतलब लाइब्रेरी जो आज के टाइम में सबसे जरूरी है, पढ़ाई, पढ़ाई के मामले में मेरा शहर बहुत पीछे है, मेरे शहर सफेदों के अंदर एक भी लाइब्रेरी नहीं है, कुछ गरीब ऐसे बच्चे हैं जो सेंटर की फीस नहीं चुका सकते, अगर लाइब्रेरी हो तो वो बंदे वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टाइम मिल सकता है उनको, ये मेरा आप सबसे वादा है, पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके ऐसे ऐसे काम किए जाएंगे शहर में, अभी तक ना ही तो हुए हैं, ना ही कोई करवाएगा। स्वस्थ हॉस्पिटल के अंदर, जिस बिल्डिंग बहुत अच्छी है हमारे शहर की, कुछ डॉक्टर हैं लेकिन बड़े डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन तक नहीं है हमारे शहर के अंदर, सभी मशीन नहीं होंगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है, मैं जनता से और सभी कर्मचारियों को लेकर साथ में चलूंगा, और अपने शहर के अंदर स्वास्थ्य को लेकर बहुत सीरियस काम होंगे, यहाँ पे अच्छी अच्छी मशीनें आएंगी और हमारे शहर की जो पब्लिक है वो परेशान नहीं होगी, उनको इलाज करवाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सफेदों शहर के अंदर ही उनका इलाज होगा। सफेदों के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है और इंडस्ट्री न होने की वजह से महिलाओं के पास काम की बड़ी समस्या रहती है। बिल्कुल, किस तरह से इस समस्या को दूर करना है? मैं जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जो मेरे अफसर लोग हैं और जो अपने नेता लोग हैं, उन सब के पास हम जाएंगे मिलके और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम सफेदों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लेके आएंगे अपनी माता बहनों के लिए। कोई आखिरी संदेश सभी जनता के लिए? बस आखिरी संदेश मेरा यही है, एक तो मैं आप सब का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और एक ज्योति जी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ, भाई आपके साथ पूरा शहर है और ये शहरवासियों ने आपको मौका दिया है, आप मेहनत से काम करो, आपके साथ सब हैं, हम आपके साथ हैं, और एक और बात, इलेक्शन अपनी जगह है, हर बंदा चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है चाहे अमीर है गरीब है, इलेक्शन सब मेहनत करेगा, हर बंदा हर कैंडिडेट मेहनत करेगा, लेकिन मेरे सभी शहरवासियों से हर सभी कैंडिडेट से बस हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले है भाईचारा, भाईचारे के बहुत लोकल शहर है सफेदों, यहाँ पे सभी गांव से आए हैं, आसपास के गांव से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, रोड़ा रब्दा ना करें, झगड़ा ना करें, बिल्कुल प्यार शांतिपूर्वक इलेक्शन लड़े। तो महिलाओं को जो मौका दिया सरकार ने, इस मौके को किस तरह से देखते हैं कि भाई महिला उम्मीदवार होगी, महिला इलेक्शन लड़ेगी चुनाव मैदान में महिला? बिल्कुल, मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो सही बात कहते हैं हमारे बुड्ढे बुजुर्ग, आज के टाइम में लड़कों से कम नहीं है लड़कियाँ, और लड़कियों को कितने मौके देती है सरकार, और लड़कियों को भी ईमानदारी से और मेहनत से काम करना चाहिए।